स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और वैकेंसी आ रखी पंजाब नेशनल बैंक, जिसे आप पीएनबी के नाम से जानते हो, पीएनबी। तो पीएनबी में वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देंगे, सिलेबस एग्जाम पैटर्न कहाँ क्या कैसा होगा, कैसे फॉर्म भरना, ईच एंड एवरीथिंग, कितने का बॉन्ड है, सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीएनबी के बारे में अगर आपको ना पता हो, मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, मतलब अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो सरकारी नौकरी है आपकी। ठीक, मोटी मोटी बात ये रही। और आगे देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, कब से फॉर्म चालू, कब से ख़त्म है। आप देख सकते हो ओपनिंग जो है ना 8 तारीख, मतलब आज से आपकी चालू हो चुकी है, आप अपना फॉर्म भर सकते हो। आपकी जो अंतिम डेट है, क्लोजिंग डेट, वो है 29 सितंबर। तो आप 29 सितंबर तक आप अपने फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। इसके बाद जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर या नवंबर में पड़ेगा। देखिए डेट्स, एग्जैक्ट डेट्स की बात करना आजकल काफ़ी मुश्किल है ड्यू टू कोविड-19, लेकिन एक एक्सपेक्टेड आपको मंथ दिया गया है कि अक्टूबर या नवंबर में आपके जो है ना ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, देन आफ्टर आपको एक इंटरव्यू लेना पड़ेगा, और दोनों के नंबर मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। और आगे देख लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते चलते हैं। अब देखिए कौन कौन सी पोस्ट है आपकी, आपका ग्रेड स्केल यहाँ लिखा है MMGS सेकेंड। ठीक, तो ये ग्रेड स्केल रहेगा और ये आपकी टोटल वैकेंसी रहेंगी, और स्केल अप पे आपका ये रहेगा। स्केल अप पे आपके काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, कम से कम आपकी जो है ना टोटल सैलरी अलाउंस वगैरह हर चीज़ मिला के एटलीस्ट 50,000 तो आपकी बनने ही वाली है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे पहले मैनेजर रिस्क का जो पोस्ट है, ये है 160 वैकेंसी। मैनेजर क्रेडिट का जो पोस्ट, सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है, तो जो क्रेडिट है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 200 है। ट्रेजरी के लिए 30 हैं, लॉ के लिए 25 हैं, आर्किटेक्ट के लिए 2 हैं, सिविल के लिए 8 हैं, इकोनॉमी के लिए 10 हैं, HR ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए आपकी टोटल 10 वैकेंसी हैं। और पे स्केल सबका बराबर है आपका। ठीक है, और वैकेंसीज का थोड़ा सा अंतर है हर एक में। रिस्क के लिए सीनियर मैनेजर की 40 है, और सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए 50 वैकेंसी हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी, टोटल 535 वैकेंसी, एक बेहतरीन वैकेंसी हो जाती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। कईयों में तो कभी 20 आई, 25 आई, लेकिन ये 535 एक अच्छी वैकेंसी कही जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी वाइज किसमें कितनी आपकी जो है ना सीटें रिजर्व हैं। जैसे कि मैनेजर रिस्क के लिए आपकी 160 है टोटल, तो SC के लिए इतनी, ST के लिए इतनी, OBC के लिए, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए इतनी, जनरल के लिए इतनी, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपकी इतनी इतनी सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, अगर आप देखना चाहें कि कितनी सीटें हैं, तो आप यहाँ से इसका पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आगे बढ़ने की श्रृंखला में हम एक एक चीज़ देख रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे, तो सबसे पहले नेशनलिटी, तो भारत का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा नेपाल और भूटान के बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि आपकी जो है ना उम्र सीमा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैनेजर रिस्क के लिए आपकी देख सकते हैं यहाँ पर 25 साल कम से कम, 35 मैक्सिमम। आपकी उम्र सीमा की गणना 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में बैचलर या मास्टर्स की डिग्री होना अनिवार्य है, मतलब कि UG या PG की डिग्री अनिवार्य है मैथ, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स वगैरह में, और 60% नंबर भी होने चाहिए, और ये डिजायरेबल है इसकी बात नहीं करेंगे हम। और 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में, PSU में, कॉरपोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट या NBFC में, आपके जो है ना 1 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। देखिए ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, तो आपका एक्सपीरियंस तो मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैनेजर क्रेडिट के लिए उम्र सीमा वही है, उम्र सीमा की गणना 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। इसेंशियल आपके पास CA या फिर ICWA या MBA होना चाहिए 60% नंबर के साथ में। ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर ट्रेजरी के लिए आपके 25 से 35 उम्र सीमा, MBA फाइनेंस वगैरह होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 60% आपके जो है ना MBA फाइनेंस में आपके नंबर होने चाहिए। इसके बाद लॉ के लिए आपकी 25 से 35 तक के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, 60% नंबर होने चाहिए। डिग्री इन LLB, डिग्री इन लॉ का मतलब LLB या BA LLB या 5 साल का कोई कोर्स इंटीग्रेटेड अगर है तो भी आपका चलेगा। ठीक है, LLM वगैरह भी है चलेगा। 2 साल का आपका जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आर्किटेक्ट के लिए देखेंगे, आर्किटेक्ट के लिए सेम चीज़ है, आपकी उम्र सीमा वही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% नंबर होने चाहिए, आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट से, और आपको जो नॉलेज ऑफ CAD एंड शुड बी कन्वर्स विद गवर्नमेंट गाइडलाइंस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब देखेंगे मैनेजर सिविल के लिए सेम चीज़ रहेगी, उम्र सीमा वही है, 25 से 35 साल, BE या BTEC वगैरह होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में 60% नंबर होने चाहिए, 1 साल का पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैनेजर HR के लिए देखेंगे तो सेम उम्र सीमा वही है, आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए वो 2 साल की फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, PG डिप्लोमा होना चाहिए,
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, क्योंकि आप एचआर में जा रहे हैं तो इसमें आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। 60% नंबर में चाहिए, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज एचआर आपने कहीं पर काम किया हो, पीएसयू वगैरह में, किसी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी वगैरह में। इकोनॉमी के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं मैनेजर की 25 से 35 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास में इकोनॉमी, और 60% नंबर होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना। सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए 25 से 37 साल, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा उम्र सीमा कर दी गई है। बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके मैथ स्टडी इकोनॉमिक्स वगैरह में, ठीक है, और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो सीनियर मैनेजर है उसमें समय 3 साल का, बाकी में किसी में 1 या 2 है। सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए उम्र सीमा आपकी बढ़ा दी गई है, सीए वगैरह होना चाहिए आपके पास में, 60% नंबर होने चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ से मांगा गया है। तो सीनियर मैनेजर के लिए आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। आगे बढ़ और एक चीज़ बता दें, जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी गणना होगी 8 सितंबर 2020 से, यही आपकी जो है क्रूशियल डेट है। तो आप ध्यान रखिएगा आपके सारे सर्टिफिकेट इस डेट के पहले पहले के होने चाहिए। आपका रिजल्ट अगर आप देखिए, इसमें तो एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आप अपीयरिंग तो नहीं हो सकते, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आप मतलब डिग्री है आपके पास में, तो 8 सितंबर 2020 के पहले पहले की डिग्री आपकी होनी चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने यहाँ से देखिए। उम्र सीमा में छूट मिलेगी SC ST 5 साल को, OBC 3 साल के, और जो है ना फिजिकली हैंडीकैप 10 साल का, और भूतपूर्व फौजियों को भी इसमें छूट प्रदान की जा रही है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में और देख लेते हैं हम, एक्स सर्विसमैन मतलब भूतपूर्व फौजियों को इसमें छूट दी जा रही है, ये चीज़ तो हमने आपको बता दी, और फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उन्हें भी छूट है, और जो है ना इकोनॉमी वीकर सेक्शन के बच्चे उन्हें भी छूट है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन आफ्टर आपका इंटरव्यू है। जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और प्रोफेशनल नॉलेज, ये क्या है कि जैसे कि लॉ वाले बच्चे हैं तो आपके LLB से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप जो है ना CA वाले बच्चे हैं तो आपके CA से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप जिस फील्ड की थ्रू आप PNB में इंटर कर रहे हैं आपका रिलेवेंट नॉलेज इसमें पूछा जाएगा। और देखिए 50 क्वेश्चन रहेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर 75 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो जो आए बस वही करिएगा। अगर आप इसमें अच्छे नंबर ले आते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और दोनों के नंबर मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आपका पेपर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें, और इसका डिटेल सिलेबस देखने के लिए आप जा सकते हैं www.sarkarisyllabus.com, इसका सिलेबस या किसी का भी सिलेबस देखने के लिए आप जा सकते हैं sarkarisyllabus.com पर, और वहाँ अपने सिलेबस वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे आपको दे दूंगा। आपका इंटरव्यू टोटल 35 नंबर का होगा, जिसमें 40% नंबर लाना अनिवार्य रहेगा, और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप गलत जवाब दोगे तो आपको जो है ना नंबर काट लिए जाएंगे, 0.25 नंबर की आपकी कटौती कर दी जाएगी। तो ये चीज़ होगी। अब मैं आपको वेबसाइट वगैरह और बता देता हूँ, ये वेबसाइट है www.pnbindia.in पर जाकर आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। आपके देखिए ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा उसके सेंटर ये सब बनेंगे, देखिए पोर्ट ब्लेयर, ये मतलब कि ऑल ओवर इंडिया जो है ना सारी मेजर सिटीज़ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये श्योर शॉट मैं कह सकता हूँ कि इनमें से कोई सिटी आपके घर के नज़दीक जरूर होगी। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, सबसे लिए जाएंगे 850 रुपये, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड SC और ST कैटेगरी के बच्चों से 175 रुपये फॉर्म फीस ली जाएगी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ से बता दूँ कि आपका जो है ना एक ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। आप सोचो कि 2 पोस्ट के लिए भर सकते हो, नहीं, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाई एनी कैंडिडेट। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके पास में 2 डिग्री हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, तो आप सोचिए एक में वैकेंसी ज़्यादा है, दूसरे में थोड़ी ऐसी हैं, हम 2 में अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका जो है निरस्त कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपको थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में बता दें, देखिए आप आजकल ऐसा समय आ गया है कि आप किसी नौकरी को ज्वाइन करें स्पेशली बैंक में, तो आपसे बॉन्ड भरवाते हैं। हो सकता है कि आज आपने नौकरी ज्वाइन की, इन्होंने ट्रेनिंग कराई 1 साल की, और आपको अगले साल एक बेहतरीन नौकरी मिल गई, आप इसे छोड़ देते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग के पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इस चीज़ें कई स्टाफ लगाना पड़ता है, एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ता है, तो इसलिए ये लोग बॉन्ड भरवाते हैं कि आप मिनिमम इतने साल तक हमारे यहाँ काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो MMG Scale 3 के बच्चे थे, पोस्ट मैंने ऊपर बताई थी सबकी स्केल, वहाँ पर मैंने आपको गाइड की थी, तो जो Scale 3 के बबच्चे हैं उन्हें आपका जो है ना बॉन्ड रहेगा 3 लाख का, और 3 साल मतलब 3 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के पहले छोड़ के जाते हो तो 3 लाख रुपए आपको जो है ना PNB बैंक को पे करने पड़ेंगे, और Scale 2 वालों के लिए 2 लाख का बॉन्ड है और 3 साल का तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी, बॉन्ड पीरियड आपका 3 साल का है। तो ये हमने बॉन्ड के बारे में भी आपको चर्चा कर दी, बता दिया आपको कि किस तरह का इसमें बॉन्ड का प्रोसीजर है। मोस्टली बैंकों में इतना ही रहता है आपका
प्रोसीजर वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ हाउ टू अप्लाई की बात कर रहे हैं, वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, डेट मैंने 29 सितंबर बताई थी, तो इन दोनों डेटों के बीच में जाकर आप ऑनलाइन अप्लीकेशन भर सकते हो। तो इस वीडियो में बस मैं इतनी रखना चाहूँगा, और डिटेल सिलेबस के लिए आप विजिट कर सकते हैं sarkarisyllabus.com, लिंक नीचे आपको मिलेगा। कुछ और क्वेरी है आप हमसे संपर्क कर सकते हो कमेंट बॉक्स के जरिए। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।